नमस्कार, मैं राघवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइन। आज आप देख सकते हैं हम लोग कलेक्टर के दफ्तर पर हैं और ये पूरे जो 7-8 गांव के लगभग 700 से 800 लोगों की भीड़ की जो तादाद दिख रही है, आपको बताना चाहेंगे ये लोग आसपास के क्षेत्र के गांव के लोग हैं, क्या कुछ बातें उनसे चाहेंगे तो नाम बताएंगे आप। भारत लाल यादव सरपंच ग्राम पंचायत बड़े मासिक गाँव खपरी। आप लोग यहाँ इतने भीड़ की तादाद में यहाँ पर किस लिए आए? हम लोगों को पानी की समस्या के कारण हम लोग यहाँ आए। कब से पानी की समस्या हो रही है और अभी क्या हो रहा है? पहले आप लोग कोई लेटर या कुछ दिए? हम 31 तारीख को हम क्या मांग रहे थे? मैं ग्राम पंचायत डमरू का सरपंच प्रतिनिधि मनोज बंजारे हूँ। मेरे गांव में लगभग पिछले 15-20 दिनों से पानी नहीं आ रहा है, जिसके लिए हम लोग पीएचई में सिंचाई विभाग में आवेदन किए पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। कलेक्टर ऑफिस में हम लोग आवक जावक में दिए पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसके बाद अंततः हम लोग गांव में अपने गांव स्तर में हम लोग बैठक करके सभी गांववासी, आप देख रहे हैं लगभग 2000 की लगभग संख्या में आसपास के सभी पंचायत व भी हमारे ग्राम पंचायत डमरू के विशेष हम लोग गाड़ी किराया करके ट्रैक्टर और पिकअप वगैरह जैसे भी करके माध्यम के कई लोग अपने स्वयं के साधन से आए हैं। ये अब केवल और केवल सिर्फ पानी के लिए हम लोग आए, क्योंकि हमारी फसल जो है अंतिम पड़ाव पे है। अब नहीं पानी दिया जाएगा तो हमारे फसल जो है पूरा नुकसान हो जाएगा, जिसके लिए हम किसके पास जाएंगे? ये लगभग 5 गांव के लोग आए हैं यहाँ। अधिकारियों द्वारा एक दिन का समय दिया गया है, 1-2 दिन में आपके गांव में पानी पहुंच जाएगा, जितने भी आपके क्षेत्र हैं उधर पानी पहुंच जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। नहीं पहुंचा फिर हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, यहाँ आकर धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन हम लोग को पानी चाहिए या नहीं पानी चाहिए, क्योंकि हमारा मुख्य फसल है धान, जो कि हमारे कृषि जितना भी भाई है कोई तो सरकारी नौकरी में नहीं है, थोड़ा थोड़ा खेती करते हैं सभी जो है, तो धान की फसल हमारा मुख्य है। इस कारण जो है हम जब तक पानी नहीं पहुंचेगा तब तक हमारे फसल कहां से हो पाएगा। सर, आज जो है कि कई गांव के लोगों ने जो है कि ज्ञापन दिया है और आपसे मुलाकात के पानी समस्या। अभी बीबीसी के टेल एरिया जो गांव है 3-4 गांव है, वो लोग आवेदन दिए हैं और उनको आश्वासित किया गया है कि कल परसों तक पानी 100% पहुंचाया जाए। सर, अभी तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था, क्या वहां सुविधा नहीं है या क्या कोई नहीं सुविधा है? नहीं, पानी एक्चुअल में डिस्चार्ज कम हो गया था इसलिए नहीं पहुंच पा रहा था। अभी पानी का डिस्चार्ज पर्याप्त आ गया है, ऊपर से हम लोग मैनेज करते हुए आ रहे हैं और कल तक पहुँच ही जाएगा। लगभग कितने लोग आए थे? लगभग 50-100 लोग थे सर।